उसकी बीमार उससे की जाए। वही जरा मारा प्रथात पर वो छठा हाथ में
सलाम ने फरमाया जब मुसलमान भाई फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाना चाहिए। इन छह हुकूम में से सबसे पहला जब मुसलमान भाई आपस के अंदर मिले तो एक दूसरे से सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। सबसे पहले तो ये बयान करना चाहूँ, हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम मजलिस के अंदर बैठे हैं, सहाबी आया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम दस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बीस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु फरमाया 30। तो सहाबा कराम ने जवाब दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 10 20 30 ये क्या है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी रहमत ने फरमाया कि जो शख्स अस्सलामु अलैकुम कहता है अल्लाह पाक उसकी मरते के अंदर 10 नेकियां जमा कर देते हैं, और जो भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है उसके लिए जमीन 20 नेकियां आ जाती हैं, और जो शख्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहता है उसके जिम्मे 30 नेकियां अल्लाह पाक उसके लिए नेकी के नामाए बाद के अंदर दर्ज कर देते हैं। एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुसलमान का मुसलमान भाई के ऊपर बहुत ज्यादा हक है कि जब मिले तो आपस के अंदर सलाम करें। सलाम का मायना ही यही है कि आए मेरे भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की आप पर सलामती हो, मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई को पैगाम है कि भाईजान आप मेरे साथ मेरी जात से आप महफूज हो गए हैं। तो हमें चाहिए ये छोटी छोटी नेकियां हैं, छोटे छोटे अमल हैं जो आज हम छोड़ने जा रहे हैं, इनको हमने कुछ पसे कुछ डाल दिया है, जब घर के अंदर दाखिल हो तो हमें चाहिए कि हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो तो लाजमन अस्सलाम वालेकुम कहो। तुम्हें नहीं पता कि घर के अंदर क्या चीज मौजूद है, चाहे तो घर के अंदर अगर कोई शख्स मौजूद है, घर वाले मौजूद हैं, तब ये सलाम अलैकुम कहना चाहिए। अगर घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं तब ये सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारे दीन इस्लाम ने हमें जिन्नों इंस के बारे में रहनुमाई फरमाई है। जब हम सलाम अलैकुम कहते हैं तो किसी किस्म का भी अगर कोई तकलीफ शरारती जिन होगा तो हमारे सलाम अलैकुम कहने की बरकत से वो चला जाएगा। सुभान। एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का मुसलमान भाई के ऊपर हक है कि जब दो मुसलमान आपस से जुदा हो उनके अंदर दीवार आए हो जाए या दरख्त आ जाए या कोई चीज रुकावट आ जाए, जब उस रुकावट से उस दीवार से गुजर कर फिर मुसलमान भाई आपस के अंदर मुलाकात करें तो फिर भी उन्हें सलाम अलैकुम मेरे भाई तुम पर सलामती हो, ये अल्फाज उन्हें कहने चाहिए। और एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई शख्स किसी मजलिस के अंदर तशरीफ लाए उसे चाहिए कि वो सलाम अलैकुम कहे, और जब उठकर जाए तो फिर भी उसे चाहिए कि सलाम अलैकुम कहे। दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाइजा दाका फाजिहु कि जब मुसलमान भाई आपको किसी चीज की दावत दे उसकी दावत को आप कबूल करें, चाहे वो दावत आपसे किसी मशवरा के लिए तलब की गई हो, चाहे दावत आपको खाना खाने के लिए दी गई हो, किसी किस्म की भी अच्छी दावत हो तो उसको कबूल करना चाहिए। खास तौर पर एक हदीस आपके अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत वलीमा के बारे में फरमाया कि इसके अंदर लाजमन जाना चाहिए, और जिस दावत वलीमा के अंदर किसी गरीब को दावत नहीं दी जाती उसके लिए भी सख्त वाइल हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हमें मिलती है। तो हमें चाहिए कि जब कोई मुसलमान भाई किसी दूसरे मुसलमान भाई को किसी अच्छे काम की नए काम की दावत दे तो उसको उसकी दावत को उसको कबूल करना चाहिए। इसके बाद फरमाया वलयस्तनसहा फनसहु जब कोई मुसलमान भाई आपसे नेक मशवरा तलब करे तो उसको नेक मशवरा दिया जाए, उन्हें मशवरा कारोबार के हवाले से हो या घर के अंदर किसी मामले के हवाले से हो, यानी उस मुसलमान भाई की वाइसिया में करनी है, हमें उस मुसलमान भाई को धोखा नहीं देना, ये उस मुसलमान भाई का हमारे ऊपर हक है, छह हकूक में से तीसरा हक है। हकूक तो काफ़ी ज़्यादा हदीस के अंदर बयान हुए हैं लेकिन ये छह हक इनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसके बाद वाइसा आता सा
मुसलमान का मुआ हो, ऐसा मत हो। मुसलमान का मुसलमान भाई के ऊपर चौथा हक वो ये है कि भाई सुभान अल्लाह हो, ऐसा मत हो कि जब किसी मुसलमान भाई को छींक आए और वो अल्लाह की हमद बयान करे अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरे मुसलमान भाई का हक है कि उसको उस छींक का जवाब दिया जाए या रहमतुल्लाह। और जब एक मुसलमान भाई पहली छींक का जवाब दे या रहमतुल्लाह, तो फिर छींकने वाले भाई के ऊपर ये हक है कि उसको उसका जवाब दिया जाए या रहमतुल्लाह और उसकी हिफाजत हो। क्या भाई अल्लाह आपको भी हिदायत दे और उसकी हिफाजत हो और आपके हाल को दुरुस्त फरमाए। इस हवाले से एक और हदीस भी मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज के दौरान एक सहाबी को छींक आ गई, तो उस सहाबी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमदर कसीर तैयब मुबारक और के लफ्ज कहे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो तीन दफ़ा तैयार फरमाया कि कौन से सहाबी थे जिन्होंने इस छींक का जवाब नमाज के अंदर दे दिया, कौन से सहाबी हैं, कौन से सहाबी हैं। फिर एक सहाबी उठकर खड़े हुए फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ही हूँ, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमदर कसीर तैयब मुबारक की छींक का जवाब नमाज के अंदर दे दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत ने फरमाया कि मैंने देखा 30 से ज्यादा फरिश्ते वो एक दूसरे से बढ़कर आगे आए कि हम इस ये नेक अमल लिखें और अल्लाह के बारगाह के अंदर हम सबसे पहले पहुंचे। प्यारे भाइयों, ये छोटे छोटे अमाल हैं जिनको आज हमने बिल्कुल मसे कुछ डाल दिया। मुसलमान का मुसलमान भाई के ऊपर हक है कि जब मुसलमान भाई को छींक आए तो हमें चाहिए कि उसका जवाब दें, अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को याद करवाएं, अपनी फैमिलीज को याद करवाएं। हमने इस्लाम को बिल्कुल घरों से बाहर निकाल दिया, हमने अंग्रेजी तालीम, स्कूलों की तालीम, ये चीज़ें सब लाजमी करार दे दी हैं। ये जो हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बयान फरमा रहा हूँ इसके ऊपर अमल करना भी हमारा हक है। तो हमें चाहिए कि अपने घरों के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर अगर कोई साथ यहाँ बैठने के लिए प्रोग्राम है तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़रूरी अहादीस